वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरक्षण को लेकर दर्ज हो रही आपत्तियां, सूची का 15 मार्च को होगा अंतिम प्रकाशन। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 को लेकर आरक्षण की लिस्ट मंगलवार को जिलेवार जारी हो गई है। आरक्षण की लिस्ट जारी होते ही सैकड़ों नेताओं के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस बार उनकी सीट आरक्षित हो गई है। तो वहीं आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी क्रम में लखनऊ में 14 तो मेरठ में 21 आपत्तियां आई हैं। बता दें कि लखनऊ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में 6 और बीकेटी ब्लॉक में 8 आपत्तियां आई हैं, तो वहीं मेरठ में 18 आपत्तियां प्रधान पदों पर आरक्षण को लेकर हैं, जबकि 3 आपत्तियां जिला पंचायत सदस्य और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए हैं। आरक्षण पर आपत्तियां 8 मार्च तक दर्ज कराई जा सकती है। आपत्तियों को जाँच के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा। पोलिंग बूथ के नियमों में आया बड़ा बदलाव, जाने क्या। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में इस बार वोट डाले जाएंगे तो आपको बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस साल बूथ पर महिला कर्मी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। हालांकि ड्यूटी महिलाओं की भी लगी है, लेकिन उनकी तैनाती समान तौर पर की जाएगी। बता दें, साल 2015 के पंचायत चुनाव में हर बूथ पर 1 महिला कर्मी का होना जरूरी था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यूपी सरकार ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत, ब्याज और अर्थदंड में छूट के लिए योजना शुरू। कोरोना महामारी काल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए बीते 3 माह से ब्याज माफी योजना 2021 लागू की है। इन 3 माह की अवधि तक के लिए लागू की गई इस योजना के तहत व्यापारियों को 31 दिसंबर 2020 तक के मूल बकाया जमा न करने के कारण लगाए गए अर्थदंड में छूट मिलेगी। अयोध्या की तरफ विकसित होंगे यूपी के 14 बड़े शहर, मास्टर प्लान में बदलाव को मंजूरी। सूबे की योगी सरकार जिस तरह से अयोध्या में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण पर ध्यान देते हुए शहर का विकास कर रही है, अब उसी तर्ज पर सूबे का कई बड़े शहरों का विकास करेगी। इससे बड़े शहरों में बढ़ती आबादी, बढ़ते मकान, बढ़ती कार और स्कूटर तथा भविष्य की जरूरतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शहरों के मास्टर प्लान में परिवर्तन करने की अनुमति दी है, जिसके तहत अब लखनऊ सहित सूबे के 14 बड़े शहरों का नया मास्टर प्लान बनेगा। इसके अलावा कुछ शहरों के मास्टर प्लान में संशोधन किया जाएगा। योगी सरकार ने विधायक निधि की बहाल, विकास के लिए मिलेंगे 3-3 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास निधि के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से यह घोषणा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की। जल्द ही विधायक इस निधि को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों और जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। किसान आंदोलन का आज 100वां दिन, टिकट ने कहा तैयारी लंबी, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान के आंदोलन का आज 100वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार ने अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, तैयारी लंबी है। राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कहीं खो गई, हम पार्लियामेंट में जाकर ही अपनी फसल बेचेंगे। अखिलेश यादव का दावा, यूपी में नहीं होगी बिहार जैसी स्थिति, बड़े अंतर से हारेगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट जीतकर सपा सरकार बनाएगी, बीजेपी इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बिहार विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी, वहां तो महागठबंधन की सरकार बन रही थी लेकिन बीजेपी ने सत्ता छीन ली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सपा 350 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद 3 नई कृषि कानून जबरन पारित करा लिए। पहली बार दलित बनेगा मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई का प्रधान, आरक्षण के दायरे में वीआईपी सीटें। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के आरक्षण की सूची जारी हो गई, जिससे सूबे के दिग्गज नेताओं के सारे समीकरण को ध्वस्त करके रख दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूर्व मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की ग्राम पंचायत पहली बार आरक्षण के दायरे में आई है, जिसके चलते दशकों से कायम उसके सियासी वर्चस्व का टूटना तय माना जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा झटका सपा को अपने मजबूत गढ़ इटावा में लगा है, जहां मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई का प्रधान और ब्लॉक प्रमुख पहली बार दलित समुदाय से चुनकर आएगा।
यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सैकड़ों स्कूल में लगेंगे सीसीटीवी और राउटर। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सैकड़ों स्कूल में सीसीटीवी, वॉइस रिकॉर्डर और राउटर लगाए जाएंगे ताकि न सिर्फ बोर्ड परीक्षा की निगरानी की जा सके बल्कि वेब पोस्टिंग भी हो सके। परीक्षा केंद्र की सूची पूरी करने के बाद बोर्ड अब इसकी तैयारी में जुट गया है। बोर्ड ने पिछले साल 7,784 परीक्षा केंद्र बनाए थे जिसकी संख्या इस साल बढ़कर 8,513 हो गई है। इस बार 44 राजकीय, 140 सहायता प्राप्त माध्यमिक और 545 वित्त विहीन स्कूल पिछले साल की तुलना में अतिरिक्त केंद्र बने हैं। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में आधुनिक उपकरणों का अभाव है इसलिए 1.5 महीने के अंतर नए केंद्र में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। सभी कॉलेजों को करनी होगी वाटर हार्वेस्टिंग वरना नहीं मिलेगी मान्यता। महेंद्र सिंह ने बताया कि तालाब काटकर अवैध निर्माण करने वाले पर भी योगी सरकार सख्त। सरकार ने 2000 हेक्टेयर जमीन भी खाली करवाई है। हमारा संकल्प है कि सभी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने जल के अभाव से लड़ने के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। योगी सरकार ने किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया है और अब प्रदेश के हर घर में पानी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम में आने वाला बड़ा बदलाव, यूपी उत्तराखंड के इन इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में आने वाले 4 दिन हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 6 और 7 मार्च को वेस्टर्न यूपी में बदलाव गरजने के साथ हल्की बारिश और ओले पड़ सकते हैं। वहीं 7 को ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर बिजली चमकने के साथ आंधी आने की आशंका जताई जा रही है। यूपी में म्यूचुअल आधार पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। बेसिक शिक्षा विभाग में एक जिले से दूसरे जिले में म्यूचुअल आधार पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने डीजी स्कूल को जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में स्कूल आवंटन के लिए ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों की संख्या के बराबर ही रिक्तियाँ खोली जाएगी। सभी पदों के लिए एक ही बार खाली स्कूल और पद का प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले समय में गांव में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में योगी सरकार सभी गांवों में 24 घंटे बिजली की सुविधा देगी ताकि प्रदेश के नौजवानों को पलायन न करना पड़े और वो अपने गांव में स्वरोजगार कर सकें। पीएम किसान की लेनी है ताबड़तोड़ 2 किस्तें तो 31 मार्च तक है आपके पास मौका। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 11,69,00,000 हो गई है। इसके तहत मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये 2,000 की 3 किस्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वे अगर 31 मार्च से पहले आवेदन कर देते हैं और यदि उनका यह आवेदन स्वीकार हो जाता तो होली के बाद उन्हें 2,000 रुपये मिलेंगे। ही साथ में अप्रैल या मई में आपको दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपये और मिल जाएंगे। बता दें केंद्र सरकार साल में 3 बार इसकी किस्त के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है तो सरकार लगातार 2 किस्तों की रकम पास कर देती है। रेल मंत्री ने पत्र लिखकर झारखंड को दी खुशखबरी। जसोटी से वास्को द गामा के लिए चलेगी ट्रेन। पुणे के बाद अब झारखंड के संताल से गोवा के लिए भी सीधी ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय ने बाबा नगरी देवघर के जसोटी से वास्को द गामा के लिए नई ट्रेन को मंजूरी दे दी है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड से मिली हरी झंडी के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद दुबे को पत्र भेजकर जसोटी से वास्को द गामा के बीच नई ट्रेन चलाने की जानकारी दी है। रेल मंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देवघर और गोवा को जोड़ने के लिए नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। सांसद ने इंटरनेट मीडिया में रेल मंत्री के पत्र को शेयर भी किया है। मुंबई रेल मंडल ने शुरू की पैसेंजर ट्रेनें भोपाल भी जल्द करेगा। मुंबई समेत कुछ अन्य रेल मंडलों ने पैसेंजर ट्रेनों की सेवा पुनः शुरू कर दी है। भोपाल रेल मंडल भी जल्द ही 12 से अधिक पैसेंजर ट्रेन शुरू करेगा। रेल मंडल ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यहां तक कि बिना से एक पैसेंजर ट्रेन की सेवा भी शुरू कर दी है। अब इसी तरह मंडल के भोपाल, हबीबगंज, इटारसी जैसे स्टेशनों से भी पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। पैसेंजर ट्रेन के पुनः शुरू होने से यात्रियों को बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। 1 अप्रैल से शुरू होगी सरल पेंशन योजना, जाने आपको क्या मिलेंगे फायदा। बीमा नियामक ईडर ने जीवन बीमा कंपनियों को इस साल 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 एन्युटी देने का विकल्प देगा। ईडर की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा, हालांकि इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा।
अब घर बैठे रिन्यू हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कई और सुविधाएं भी हो गई है ऑनलाइन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने का काम अब पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब से सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से कोई भी अपना लाइसेंस को रिन्यू कर सकता है। साथ ही डुप्लीकेट आरसी और इसी तरह की दूसरी सेवाएं भी ऑनलाइन मिल सकेंगी, वो भी बिना आरटीओ गए। आईसीआईसीआई बैंक ने भी घटाई होम लोन ब्याज दर, 10 साल में सबसे सस्ता हो गया रेट। अगर आप मकान खरीदने के प्लान कर रहे हैं तो इससे मुफीद समय शायद ही फिर जल्द मिले। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने होम लोन रेट में कटौती कर उसे 10 साल के निचले स्तर पर ला दिया। इससे पहले एसबीआई, कोटक जैसे कई और बैंक भी होम लोन पर ब्याज दर में कटौती कर चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने शुक्रवार को अपने होम लोन पर ब्याज दर को घटाकर 6.70% तक ला दिया। यह बैंक के पिछले 10 साल का सबसे सस्ता होम लोन रेट है। यह लोन रेट 5 मार्च यानी कल से ही लागू हो गया। राशन कार्डधारी हो जाए सावधान, अब घर घर होगा सर्वे, राशन कार्ड कर दे सिलेंडर नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड का पलामू जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र में आयोग राशन कार्डधारियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने इस अभियान से पूर्व सभी आयोग राशन कार्डधारियों से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अब एक साथ करा सकेंगे 3 डीलर से बुकिंग। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर से बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिलेंगे 1600 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में दूसरी किस्त के करीब 1600 करोड़ रुपए 12 मार्च को जमा होने की पूरी संभावना। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही कोरोना काल में नगरीय निकायों में सड़क सहित जो अन्य काम रुक गए थे उसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। जानिए क्या पीएलआई स्कीम जिससे हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के बेरोजगार युवाओं के लिए पीएम मोदी सरकार विभिन्न सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम शुरू की है। पीएलआई स्कीम से यूपी समेत देश भर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रदेश में भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अन्य राज्यों को भी पीएलआई स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। पीएम मोदी का कहना है कि देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, मिलकर काम करने से ही सफलता मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है। इसके जरिए कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर विशेष रियायत के साथ साथ वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, बच्चियों को दिया जाएगा ये प्रशिक्षण। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया जिसके तहत बच्चियों को खास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्हें खुद से अपनी सुरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। अमेजन समर सेल में एसी, फ्रिज और होम अप्लायंसेस पर 50% तक की छूट। फ्लिपकार्ट पर सस्ते में मिल रहा धासु मोबाइल। Amazon.in ने अपने ग्राहकों के लिए समर सेल का ऐलान कर दिया जिसमें ग्राहक होम अप्लायंसेस के सामान जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, टीवी और फर्नीचर, टॉयज आदि अच्छे छूट में प्राप्त कर सकते हैं। Amazon का मेगा होम समर सेल 4 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।